हर हर महादेव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीने में से एक होता है। इस महीने में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा निकाली जाती है और गंगा जल भरकर शिव जी का जल अभिषेक किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव धरती लोक पर आ जाते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि का व्रत हर महीने किया जाता है, लेकिन सावन की शिवरात्रि बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन जो भी कांवड़िया जल भरकर लाता है, उस गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करता है। अब हम जानेंगे कि सावन की शिवरात्रि कब मनाई जाएगी। सावन महीने की शिवरात्रि सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस तिथि की शुरुआत 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर होगा। ऐसे में सावन मास की शिवरात्रि इस साल 2 अगस्त को मनाई जाएगी। अब हम जानेंगे सावन शिवरात्रि के शुभ मुहूर्त। रात्रि का जो प्रथम प्रहर पूजा समय है, वह है 7:11 से शाम को 9:49 तक, यानी शाम 7:11 से शाम 9:49 तक। रात्रि का द्वितीय प्रहर पूजा समय है देर रात्रि 9:49 से 12:27 पर, और ये जब 12:27 होंगे तब तक 3 अगस्त लग चुकी होगी। रात्रि का तृतीय पहर पूजा समय है 12:27 से 3:06 तक सुबह के, यह भी 3 अगस्त का ही समय है। और रात्रि का चतुर पहर पूजा समय है 3 अगस्त तड़के सुबह 3:06 से 5:44 तक। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अगस्त को 3:26 से, और चतुर्दशी तिथि का समापन है 3 अगस्त को 3:50 पर। शिवरात्रि का जो पारण समय रहेगा वो 3 अगस्त को 5:44 से 3:49 तक रहेगा। तो शिवरात्रि के जो 4 पहर है पूजा के, वह हमने बता दिए हैं। अगर हम उस समय में शिव की पूजा आराधना करते हैं तो हमें उसका अधिक फल मिलता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सावन शिवरात्रि का व्रत रखता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में सुबह शाम दोनों समय शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शाम की पूजा के समय कथा जरूर सुने, साथ ही शिव पुराण और शिव स्तुति का पाठ करें। इस दिन फलाहार भोजन किया जाता है, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता। हालांकि आप खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम करेंगे सावन शिवरात्रि की पूजन विधि। सावन शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद व्रत पूजा का संकल्प लें, फिर घर के पास किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान शिव के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, फल इत्यादि चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद शिवरात्रि की कथा सुनें और अंत में शिव जी की आरती करें। अंत में भगवान को खीर का भोग लगाएं और सभी में बांट दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव मध्य रात्रि के समय लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहते हैं भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी।
इसलिए शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन शिवलिंग की विधि विधान से उपासना करता है उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा सदैव ही बनी रहती है। शिवरात्रि का दिन भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए सबसे खास माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा से व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। कावड़ जल चढ़ाने के लिए भी शिवरात्रि का दिन ही उत्तम माना जाता है। सावन शिवरात्रि में, सावन का अर्थ श्रावण मास से है, तो वही शिवरात्रि का अर्थ होता है शिव को समर्पित रात। कहते हैं श्रावण महीने में भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर रहते हैं। ऐसे में इस दौरान जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन में शिवरात्रि का दिन सबसे खास माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं सावन महीने में ही सृष्टि की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण कर लिया था। भगवान शिव के कंठ में रुके हुए इस विष की गर्मी और जहरीले प्रभाव को कम करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने भगवान शिव का जल से अभिषेक किया था। तभी से सावन महीने में जल अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। यही वजह है कि सावन में कांवड़िए अपनी कांवड़ में गंगा जल लेने के लिए निकलते हैं और शिवरात्रि के दिन इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि व्रत माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गायत्री, माता सीता, माता रति और माता पार्वती जैसी कई देवियों ने अपने सुखी जीवन के लिए किया था। ये कल्याणकारी व्रत इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाकर जीवन में सुख और शांति प्रदान करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक दिन निषाद रात अपने कुत्ते के साथ शिकार करने गए थे, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें शिकार नहीं मिल पाया था, जिस वजह से वह थक हार कर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे बैठ गए। यहाँ पर एक बिल्लव का वृक्ष था और इस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग मौजूद था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता था। निषाद राज ने अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्लव पत्र तोड़ने शुरू किए, जिनमें से कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इसके बाद जब उन्होंने अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल का छिड़काव किया तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। इसके बाद अचानक से उनका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषाद राज अनजाने में ही सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गए। इस तरह से अनजाने में ही सही लेकिन उनका शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। जब उनकी मृत्यु के बाद यमदूत उन्हें लेने आए तो शिवगणों ने उनकी रक्षा की। ये शिवरात्रि व्रत की महिमा ही थी कि यमराज भी उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए। तभी से कहा जाता है कि अगर अज्ञानतावश महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है तो जो व्यक्ति पूरी सच्ची निष्ठा से इस दिन का व्रत करता है तो सोचिए उसको महादेव की कितनी कृपा प्राप्त होती है। पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को तिल का तेल चढ़ाएं। मन चाहे पार्टनर की प्राप्ति के लिए इस दिन शिव को चने की दाल का भोग लगाना चाहिए। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को धतूरे का फल या फूल का भोग लगाना चाहिए। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस दिन शिवलिंग पर
भांग का भोग लगाना चाहिए। तो बोलो हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।